से कम एक दर्जन शहरों में इस समय जनता सड़कों पर उतरी हुई है और क्या कह रही है आप खुद देखिए इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका एमजीबी डिजिटल इंडिया में। मैं हूं मीनू वर्मा और आज मैं बात कर रही हूं चीन में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए कड़े प्रतिबंधों के खिलाफ देश भर में चल रहे प्रदर्शन पर। हालांकि आपको बता दें कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन चीन के लिए आम नहीं है। खबरों की माने तो यहाँ पर सरकार और राष्ट्रपति की आलोचना करना मतलब अपने आप को जोखिम में डालना होता है, और ऐसे में ये प्रदर्शन तब हो रहे हैं जब चीन के राष्ट्रपति यानी शी जिनपिंग अपने तीसरे कार्यकाल का सपना संजो चुके हैं और मार्च 2023 में उनका यह सपना पूरा भी हो जाएगा। लेकिन यह प्रदर्शन अब उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है। चलिए अब इस प्रदर्शन पर जरा विस्तार से बात करते हैं। तो आपको बता दें कि चीन में एक बार फिर कोरोना ने कहर मचा दिया है। बीते रविवार को कोरोना के करीब 40,000 नए मामले सामने आए थे। गौरतलब है कि देश में लगातार पांचवें दिन संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी हुई है। चीन के संघाई जैसे प्रमुख शहरों के मामलों में अप्रैल में आई तेजी के बाद यह संख्या सर्वाधिक है। तो बस कोरोना को कंट्रोल करने के लिए चीन की जिनपिंग सरकार ने सख्त लॉकडाउन लगा दिया है। अब चीन के जिस भी इलाके में कोरोना के मामले का पता चलता है उस पूरे इलाके को बैरिकेडिंग और टीन शेड्स लगाकर सील कर दिया जाता है। कड़े प्रतिबंधों के खिलाफ या कहें लॉकडाउन के खिलाफ ये प्रदर्शन तेज हो गए हैं। लोक सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी कि CPC और देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी कह रहे हैं, शी जिनपिंग इस्तीफा दो, कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता छोड़ो, सिंजियांग से प्रतिबंध हटाओ, चीन से प्रतिबंध हटाओ, हम PCR जांच नहीं कराना चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। देखिए ये वीडियो। देश और दुनिया के तमाम ऐसे ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए MGB डिजिटल इंडिया। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। शुक्रिया।